हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSS स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विच वी स्टेट विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ हम इन एक्टिविटीज़ का ओनली स्टेटमेंट है जो हमको लर्न रखना है ना। ये स्टेटमेंट्स आपको लर्न रखने हैं क्योंकि ये MCQ पैटर्न टाइप में आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ द एसोसिएटिव लॉ। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। जैसे फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, मेरे को कोई भी तीन मैट्रिसेस गिवन है तो मैं क्या लिखूँगी, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर वो किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी सी। तो इन वैन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्विलिटी आर डिफाइंड, मतलब अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्म्ड है कि ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, बी सी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसीलिए इन जनरल हम क्या लिखेंगे दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये होल्ड करता है, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के, एंड ए प्लस बी इंटू सी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी के, वैन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ऐसा क्या, कौन सी मैट्रिक्स है जिससे अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करूँ तो वापस वही मैट्रिक्स मिले। सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हर स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि आई ए इंटू ए आई इज इक्वल्स टू ए, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। नाउ वी शैल यूज दीज प्रॉपर्टीज़ बाई एग्जाम्पल्स। अब इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे हमको ये और ज़्यादा क्लियर होएगा। नाउ नंबर फर्स्ट इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स कितने की है 3x2 ऑर्डर की, और सी मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है 2x4 ऑर्डर की। मेरे को ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी शो फाइंड करना है और बताना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब सबसे पहले ए बी, ए बी होगा क्योंकि 3x3 इक्वल है, तो ये कितने ऑर्डर की हो जाएगी, 3x2 की। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालते हैं, तो ए इंटू बी कितना हो गया, ये ए है ये बी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये दो एंट्रीज़ आ गई। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर वापस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये दो एंट्रीज़ आएगी। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, वापस थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये दो एंट्रीज़ आएगी। तो ये मेरे पास निकल गया ए बी। अब ये जो ए बी निकला है, इस ए बी को मैं सी से मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो ये मेरा 3x2 का था, सी 2x4 का था, ये दोनों सेम है, यानी ये आएगा 3x4 का। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो ये चार एंट्रीज़ आ गई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉल थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम के साथ ये एंट्रीज़ आएंगी। तो ये मेरा क्या आ गया, पहले ए बी मल्टीप्लाई कराया, फिर सी से कराया। अब हम क्या करेंगे, पहले बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज़ बी, बी का ऑर्डर कितना है मेरे पास, 1, 2, 3, 3x2, और इसका है 1, 2, 2x4, तो 2, 2 सेम है, यानी 3x4 की मैट्रिक्स आएगी। तो ये मैट्रिक्स मेरी आ गई 3x4 की। अब इस 3x4 की मैट्रिक्स को मैं ए से मल्टीप्लाई कराऊंगी, यानी ए से आगे की तरफ मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो ये मेरा बी सी है, यानी ये मेरा 3x4 है, तो ये बी इंटू सी है, और इसके पहले मुझे 3x3 से करवाना है, तो 3 और 3 सेम है ना। अब देखो बी सी इंटू ए नहीं करवाएंगे ना, हम बी सी को ए से नहीं करवाएंगे क्योंकि ए आगे लिखा हुआ है, तो बी सी को ए के आगे रख के ही हम मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी ए की नंबर ऑफ ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, बी की नंबर ऑफ रोज के, क्योंकि अगर 3x4 और बी ए को अगर मैं पीछे रखती हूँ तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है। तो जैसे ही ए इंटू बी सी हमारी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी के, क्योंकि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं, ये दोनों मैट्रिसेस कैसी आई हैं स्टूडेंट्स, इक्वल आई हैं। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 17 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को फुलफिल वाला है।
कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी है, ए सी और बी सी निकालना है, फिर ए प्लस बी इंटू सी निकालना है और ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए भी 3x3 का है, बी भी 3x3 का है, तो दोनों में एडिशन पॉसिबल है। तो ए प्लस बी मेरा ये हो गया, अब सी से मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो ए प्लस बी मेरा 3x3 का हो गया, ए प्लस बी, और जो मेरा सी है वो कितने का है, 1, 2, 3, वो 3x1 का है, यानी ए प्लस बी इंटू सी मेरे कितने का आएगा, 3x1 का आएगा। तो ए प्लस बी इंटू सी कितना आ गया, 10, 20 एंड 28। फर्दर अब ए सी निकालते हैं, तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, बी सी ये हो जाएगा। तो ए सी प्लस बी सी इन दोनों को अगर ऐड करती हूँ तो ये किसके इक्वल आ गया, ये और ये दोनों बराबर आए, यानी ए प्लस बी इंटू सी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए सी प्लस बी सी के। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। ए मेरे को कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मेरे को पूछा है कि ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ट्रू है क्या? तो इस टाइप से आपको बहुत सारी इक्वेशंस दे देंगे, जैसे ए क्यूब माइनस 24 ए प्लस आई बराबर ज़ीरो। अगर ए ये है तो ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो सबसे पहले मेरे को ए क्यूब निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर निकल गया। अब ए स्क्वायर को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए क्यूब निकल जाएगा, तो ए क्यूब माइनस 23 है, तो ये हो गया ए क्यूब, ये 23 है, क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, 23 इंटू ए, और माइनस 40 आई, ये 40 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस 23 को माइनस 23 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और माइनस 40 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, बीच में लगा दिए एडिशन। जैसे इन सबको सम किया, एक एक एलिमेंट को, फर्स्ट 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 एलिमेंट, सेकंड सेकंड सेकंड, फिर थर्ड थर्ड थर्ड, जैसे इन सबको सम किया, ये किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, ज़ीरो मैट्रिक्स के, इसका मतलब किसके इक्वल आ गया, ये मेरे नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19, वो क्या कह रहा है, इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 फेज, टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। यानी इलेक्शंस में कैंडिडेट्स ने पब्लिक रिलेशन फर्म्स को हायर किया है कि हमको वोट दो वोट दो, इस टाइप से। वो किस तरह से बात कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू, हाउस कॉल्स यानी एक एक घर पे जाके, और कॉल लेटर्स के थ्रू, ना लेटर्स के थ्रू। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स ए, तो जो इसकी कॉस्ट है पर कॉन्टैक्ट की, वो ये दे रखी है कि टेलीफोन से एक कॉन्टैक्ट को अगर मैं टेलीफोन से कॉल करती हूँ तो 40, हाउस कॉल करती हूँ तो 100, और लेटर से करती हूँ तो 50। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मेड इन टू सिटीज़ एक्स एंड वाई इज़ गिवन बाई, एक एक्स सिटी में और एक वाई सिटी में, जो इन्होंने टेलीफोन से 1000, हाउस कॉल से 500, फिर 5000 एक्स सिटी में किए, और वाई सिटी में कितने किए, 3000, 1000 एंड 10000। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द टू सिटीज़ एक्स एंड वाई, तो मुझे इन दो सिटीज़ एक्स और वाई में टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हुआ ये पता लगाना है। तो देखो, ए का ऑर्डर कितना है, 3x1, और बी का ऑर्डर कितना है, 2x3। अब देखो, ए इंटू बी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल है। अगर मैं इसको 2x3 लिख दूँ, इसको 3x1 लिख दूँ, 3 सेम है, यानी बी ए पॉसिबल है, तो मेरे को क्या निकालना है, इसमें बी ए निकालना है, क्योंकि है ना टोटल अमाउंट पूछा है। तो बी इंटू ए कितना हो जाएगा, बी की फर्स्ट रो से ए का फर्स्ट कॉलम, और बी की फर्स्ट रो से, बस बी की फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, और बी की सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2x1 की तो आएगा जो रिजल्टेंट होगा, तो 2x1 यानी दो रो और एक कॉलम आएगी, तो ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया। सो जो टोटल स्पेंड अमाउंट स्पेंड है बाय द ग्रुप इन द टू सिटीज़ इज़ 3,40,000 पैसे एंड 7,20,000 पैसे, दैट इज़ ₹3,400 एंड ₹7,200 रेस्पेक्टिवली। ये पैसे में दे रखा है हमको अमाउंट, तो लास्ट में मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, अब एक्सरसाइज 3.2 आप ट्राई करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं ना, मैनी क्वेश्चंस आते हैं, 22 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको आराम आराम से ट्राई करिए। और एक्सरसाइज 3.1 भी आपको ट्राई करनी है, इसके बाद के जो अपने जो इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं, और भी जो अभी तक हमने स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी, अब जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है वो सब अब हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारी डिस्कस करेंगे।
तब तक स्टूडेंट्स ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने कराया है इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे ये नहीं होगा। आपको लगेगा आ गया मैम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, नहीं, एक बार जस्ट एक एग्जाम्पल पहले देख के करो, देन आप बिना देखे एक बार एक एग्जाम्पल करो, तब जाके आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।